Please subscribe our channel, like, comment and hit the bell icon. Everyone, welcome to our YouTube education channel Shikshad Academy. आज इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 8 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 में एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर 2 आपका दिया गया है, हाउ मेनी डायगोनल्स ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव. आपको यहाँ पे जो भी नीचे स्टेटमेंट दिए गए उनको बताना है कितने डायगोनल्स होंगे. फर्स्ट आपका दिया गया है अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल. तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्या होता है. क्वाड्रिलेटरल मीन्स जिस अ फोर साइडेड पॉलीगोन. ओके, अब कॉन्वेक्स क्या होता है, फोर साइडेड पॉलीगोन में सभी एंगल लेस देन 180 डिग्री होगा तो उसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगोन. तो ये आपका कॉन्वेक्स पॉलीगोन हो गया. अब इसके डायगोनल्स बनाते हैं. सिंपली अगर आप इस तरह से करोगे तो आपको पता चल जाएगा टू डायगोनल्स हैं. बट कैसे आप सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को, तो देखो यहाँ पे नंबर ऑफ साइड आपको कितने दिए गए हैं. किसी भी क्वाड्रिलेटरल में साइड होते हैं 4. देन आपका नंबर ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ डायगोनल्स इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2. ये आपका फॉर्मूला है वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड. तो n की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, इस तरह से 4 आ जाएगा यहाँ पे. तो 4 इंटू 4 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2. देखो 4 एज इट इज, यहाँ पे 4 माइनस 3 क्या आएगा आपका आंसर 1 डिवाइडेड बाई 2. तो देखो 4 वन यहाँ पे 2 वन जा 2 2 टू जा 4, तो आंसर आया आपके पास 2. नंबर ऑफ डायगोनल इज इक्वल टू 2. तो यहाँ पे ए हो गया आपका क्वेश्चन 2 का. देन देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका बी, अ रेगुलर हेक्सागोन. अब हेक्सागोन दैट मीन्स कितने साइड होंगे, इसके 6 साइड होंगे. इस तरह से ये बना होगा कुछ. देखो 1 2 3 4 5 6, ये आपका हो गया रेगुलर हेक्सागोन. तो हेक्सागोन दैट मीन्स एन की वैल्यू यहाँ पे आ गया आपके पास 6, क्योंकि 6 साइड है दैट मीन्स एन इज इक्वल टू हम लेते हैं यहाँ पे 6. देन आप फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे, नंबर ऑफ डायगोनल्स इज इक्वल टू आएगा n n-3. ये फॉर्मूला होता था मैंने आपको बताया डिवाइडेड बाई 2. कितने भी आपको यहाँ पे साइड्स दिए गए हैं तो आप उसके यहाँ पे डायगोनल्स फाइंड कर सकते हो इस फॉर्मूले के हेल्प से. तो n की वैल्यू आपके पास 6 है, पुट करो ये, तो 6-3 हो जाएगा इधर डिवाइडेड बाय 2. तो 6 एज इट इज 6-3 डिवाइडेड बाय 2. तो देखो 2 1 जा 2 2 2 जा 4, 3 into 2 करोगे तो क्या आ जाएगा 2 into 3 दैट इज 6. टोटल कितने डायगोनल्स आने वाले हैं यहाँ पे आपके, सॉरी यहाँ पे आएगा आपका 3 है ना, 3 into 3 दैट इज 9. टोटल आपको यहाँ पे 9 डायगोनल्स आने वाले हैं. 3 2 जा 6 होता है. टोटल आपके यहाँ पे 9 डायगोनल आएंगे किसमें, अरेगुलर हेक्सागोन में. नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन आता है सी, ट्रायंगल में आपको बताने हैं कितने डायगोनल्स आएंगे. तो ट्रायंगल में देखो इस तरह से ट्रायंगल बनता है आपका, 1 2 3 साइड है दैट मीन्स एन इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 3. देन आप यहाँ पे राइट करोगे नंबर ऑफ डायगोनल्स, फॉर्मूला लगाओगे, नंबर ऑफ डायगोनल्स इज इक्वल टू आपका आ जाएगा n n-3 डिवाइडेड बाय 2. n की वैल्यू आपके पास 3 है, यहाँ पे आएगा 3-3 डिवाइडेड बाय 2. तो देखो 3 into 3-3 करोगे 0 डिवाइडेड बाय 2. अब देखो किसी के मल्टीप्लाई में 0 हो तो 0 हो जाता है, डिवाइडेड बाय 2 लिखो. अब किसी के डिवाइड में सपोज यहाँ पे ऊपर 0 है, डिवाइड कुछ भी नंबर हो तो पूरा का पूरा हो जाता है 0. तो इसके डायगोनल्स आएंगे 0. आप इजीली यहाँ पे भी फाइंड कर सकते हो. देखो आपको क्या डायगोनल्स से यहाँ पे मेक करने के लिए क्या करना होता है, यहाँ पे एडजेसेंट नॉन एडजेसेंट एज को आपको ज्वाइन करना होता है. आप देखो यहाँ पे ज्वाइन करोगे ए भी एडजेसेंट है, ए भी एडजेसेंट है, दैट्स वाई इसके क्या होंगे, एक भी डायगोनल नहीं होंगे. तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है. थैंक यू वेरी मच, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर.